हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ब्राउन टॉप मिलेट खिचड़ी। ये खिचड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी है। हिंदी में इसे हरी कंगनी या मुराद भी कहते हैं। ग्लूटन फ्री ये खिचड़ी नेचुरली न्यूट्रिएंट्स और फाइबर से भरपूर है। ये पेट साफ करने में हेल्प करती है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। चलिए इस हेल्दी खिचड़ी को बनाना शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए बाउल में लेंगे 1 कप ब्राउन टॉप मिलेट, इसे छोटा बाजरा भी कहते हैं। नॉर्मली जो बाजरा होता है सेम उसमें ही एकदम छोटा सा वर्जन है। इसमें पानी डाल के इसे हमें कम से कम 3 से 4 बार धो लेना है। जैसे जैसे हाथ से इसे पानी में रगड़ोगे तो आप देखोगे इसका जो पानी है वो हल्का सा हरे कलर का दिखेगा। तो इसी तरह से हमें इसे कम से कम 3 से 4 बार पानी से धो लेना है। धोने के बाद साफ पानी में इसे हम कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। भिगोने से जो हमारी खिचड़ी होगी वो एकदम सॉफ्ट पकेगी। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम मात्रा में होता है, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार है। तो इसे अब ढक्कन से ढक देते हैं और कुछ हमारे सब्जियां काट लेंगे। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ सब्जियां। स्पेशली हमें लेना है यहाँ पे फ्रेश अदरक। अदरक से पेट बहुत ही अच्छे से साफ होता है, तो छिलका निकाल के जो फ्रेश अदरक है वही कद्दूकस कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है कद्दू। कद्दू हम आधा ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा कद्दू था। सारी चीज़ों के हमें छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। ये जो ब्राउन टॉप मिलेट है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, साथ ही ये डाइजेशन इम्प्रूव भी करता है। कद्दू को कट करने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे 1 प्याज मीडियम साइज़ का। छौंक लगाने के लिए एक कुकर में डालना है 2 टेबलस्पून तेल। तेल हम यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ करेंगे। जब ये अच्छा गर्म हो जाए तब इसमें डालें 1/2 चम्मच राई। ये मैंने पीली वाली राई यूज़ की है। साथ ही डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब इसे अच्छा सा चटकने देना है। फिर इसमें डालें 3 से 4 हरी मिर्च, इसको मैंने बीच में से चिरा कर लिया है। 10 से 12 करी पत्ता और प्याज। ये सारी चीज़ों को हमें हल्का सुनहरा होने तक अच्छा फ्राई कर लेना है। प्याज जब हल्का सुनहरा हो जाए तब इसमें डालें 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। ये मैंने फ्रेश वाला ही अदरक यूज़ किया है, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। 2 बारीक कटे हुए गाजर और कद्दू। आप चाहे तो अपने पसंद अनुसार यहाँ पे और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। हल्का सा अगर खट्टा पसंद हो तो इसमें 2 टमाटर ज़रूर ऐड करें। अब ये सारे सब्जियों को हम फिर से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। भूनने से जो कद्दू होगा वो हल्का सा सॉफ्ट होगा और इसका जो टेस्ट है और भी अच्छा आएगा। जिनको वेट मैनेज करना है या ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता हो वो इस खिचड़ी को ज़रूर खाए क्योंकि ये मिलेट और कद्दू पेट साफ करने में हेल्प करता है। 2 मिनट तक कद्दू को अच्छा भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। अब फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो फ्लेम है गैस का वो एकदम मीडियम आंच पे चल रहा है। हल्दी और नमक कद्दू में अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे भिगोया हुआ रहा हमारा ब्राउन टॉप मिलेट। भीगना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, भीगने से ये अच्छे से पकता है। और इसे भी अब मिक्स कर लेते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो वो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार है। तो सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 3 कप पानी। जिस कप से मिलेट लिया है उसी कप से पानी यूज़ करना है। अगर घर में कप ना हो तो आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें एक बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद ढक्कन से ढक के इसके कम से कम हमें 3 से 4 सीटी होने देना है। थोड़ी देर में खिचड़ी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब कुकर का ढक्कन लगा के इसके हमें धीमी आंच पे 2 सीटी होने देंगे। तीसरी सीटी होने नहीं देना है, लेकिन होने के टाइम पे ही गैस को बंद करना है। इससे जो खिचड़ी होगी हमारे भाप पे अंदर बहुत ही अच्छे से पकेगी। तो ये हमारे 2 सीटी हो चुके हैं और तीसरी सीटी के टाइम पे मैंने गैस को बंद कर दिया था। और 15 मिनट बाद ये जो कुकर है हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप हरी मटर।
ये मैंने यहाँ पे ताज़ा वाले मटर यूज़ की है, फ्रीज़र में मैंने इसे स्टोर करके रखा था। इसे शुरुआत में ही पकाते टाइम नहीं डालेंगे, जब खिचड़ी पक जाती है तब गरम गरम खिचड़ी में मटर और हरा धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेना है और कम से कम 5 मिनट के लिए इसे फिर से ढक देना है। तो गरम गरम खिचड़ी में जो मटर है हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है और वही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये हमारे आज की ब्राउन टॉप मिलेट की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खिचड़ी बनके रेडी हो चुकी है। गर्मा गर्म इसे सर्व करें, आप चाहे तो ये घी के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी को बना के ज़रूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करें। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।